वेलकम दोस्तों हमारी ऑनलाइन क्लासेस में। और आज एक और नया टॉपिक लेकर के हाजिर हूँ और ये हमारे प्रोनाउन के टॉपिक में है, लेकिन ये बहुत ही एक जरूरी टॉपिक है। और क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीजें जो है हमारे इंग्लिश के जो रीडिंग के अंदर या कॉम्प्रिहेंशन में आती रहती हैं, तो उसलिए ये करना जरूरी है। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कहूंगा कि हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको हमारे ऐसे ही नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो अब शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। तो टॉपिक का नाम है इनडेफिनिट प्रोनाउंस। आप जैसा कि नाम से आप देख सकते हैं, इनडेफिनिट मीन्स जो कि डेफिनेट नहीं है, यानी निश्चित नहीं है, जिनका पता नहीं है कि ये किसके बारे में बात कर रहा है, लेकिन ये बात कर रहा है फिर भी, ठीक है। तो ये कुछ जो वर्ड्स लिखे हुए हैं, लाइक वन, नन, ऑल, सम, मैनी, फ्यू, ए फ्यू, सम, एनी, एवरी, नन प्लस में वन, लाइक सम वन, एनी वन, एवरी वन, नो वन, एंड देन सम बडी, एनी बडी, एवरी बडी, नो बडी, देन सम थिंग, एनी थिंग, एवरी थिंग, नथिंग। सो दीज आर द यू नो प्रोनाउंस दैट आर कॉल्ड यू नो इनडेफिनिट, एंड दे डोंट टेल अबाउट द यू नो पर्टिकुलर person or thing, they just you know tell the thing that you know someone or anyone or everyone or many or some you know person or things you know happened or did this thing. तो अभी अपने इसमें देखेंगे वन बाय वन, इनका यूज देखेंगे कैसे करना है, क्योंकि इनका इस्तेमाल एडजेक्टिव्स के लिए भी हो जाता है, एडजेक्टिव के फॉर्म में भी हो जाता है, जैसे सम का है, जैसे सम sugar, many people, तो इस तरह से इनका थोड़ा सा उस हिसाब से भी यूज होता है, वो बाद में देखेंगे अपने, लेकिन पहले इनका अपने इंडेफिनिट प्रोनाउन के रूप में देख लेते हैं। तो आप देखेंगे कि इसमें जो यूज है कि वन शुड पे वंस ड्यूटी। अब आप देखेंगे इनमें वही बात है कि इनके जो बाद में जो चीज आ रही है वो क्या है, इनके बाद में जो चीज आ रही है वो है वर्ब। तो इनके तुरंत बाद अगर वर्ब है तो ही ये हमारे प्रोनाउंस होंगे, अगर इनके बाद में अगर वर्ब नहीं है और कुछ और है तो ये फिर हमारे एडजेक्टिव्स या कुछ और हो जाएंगे, एडजेक्टिव्स ही होंगे अधिकतर। तो अभी इसमें आप देख लेंगे, शायद देख लेंगे कि वन शुड पे वंस ड्यूटी, नन ऑफ हिज सन्स आर सक्सेसफुल, ऑल इज वेल। अब यहां देखेंगे आपकी ऑल के साथ में एक जगह इज लगा है, एक तरफ है जो प्लूरल लगा है, तो यहां तो ऑल जैसे कोई सिचुएशन के लिए बोला गया है, सिचुएशन है ओवरऑल सिचुएशन के लिए, और यहाँ ऑल जो है किसी पर्सन के लिए लगा है, कोई व्यक्तियों के लिए लगा है कि सभी चले गए हैं, ये है कि सब कुछ ठीक है, यानी माहौल ठीक है, जो एटमोसफियर ठीक है या सिचुएशन ठीक है, और यहाँ पर ये कि भाई सभी चले गए हैं, यानी सभी लोग चले गए हैं। यहाँ पर सम आर बॉर्न प्रिविलेज्ड, यानी भाई ये कहने के लिए कि दुनिया में कुछ लोग जो है वो पैदा हुए हैं प्रिविलेज, यानी सौभाग्यशाली पैदा हुए हैं। मैनी वर किल्ड मर्सीलेसली, यानी अनेक लोग जो है वो या जानवर जो हैं वो मार दिए गए निर्दयतापूर्ण यानी क्रूरता से। और फिर है आई इनवाइटेड मैनी पीपल बट फ्यू केम, कि मैंने बहुत सारे अनेक लोगों, देखो यहाँ पर देखो ये जो मैनी है ये अब एडजेक्टिव का काम कर रहा है यहाँ पर हमारे जो इंडेफिनिट एडजेक्टिव के फॉर्म में या नंबर एडजेक्टिव के फॉर्म में जो काउंटेबल चीजों के पहले आता है। अब जैसे बट फ्यू केम, तो यहाँ देखो फ्यू जो है वो इन्हीं लोगों में से कह रहा है कि भाई मैंने बहुत सारे लोगों को बुलाया लेकिन न के बराबर लोग मेरे यहाँ पर आए। ऐसे ही फिर समवन हैज स्टोलन माय बाइक, यहाँ समवन की भाई किसी ने चुरा ली, पता नहीं किसने चुरा ली, वी डोंट नो द पर्सन यू नो हु हैज स्टोलन द बाइक, एंड एवरीबॉडी इज गोइंग टू बी नो बडी, एक दिन सब जो है वो ना हो जाएंगे, नो बडी हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये दोनों का इस्तेमाल हुआ। और अब ये जो है हमारे इस हिसाब से देख लीजिए, नथिंग इज इम्पॉसिबल, जो कि एक रेगुलर चीज हम सुनते आ रहे हैं कि नथिंग इज इम्पॉसिबल। तो यानी ये इनका इस्तेमाल ऐसे आप देखेंगे, इनके बाद में वर्ब का इस्तेमाल होता है और कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से यूज करना चाहिए इनका, कि जैसे आप कोई इस्तेमाल कर रहे हैं इनमें से किसी का तो वो कैसे कर रहे हैं वो देखना है आपको। तो ये है इनडेफिनिट प्रोनाउन का टॉपिक, और ज्यादा मुश्किल नहीं है, इजी है, अगर आप इसको इतना भी देख लेते हैं तो आपकी अंडरस्टैंडिंग इसके बारे में अच्छी हो जाएगी। और फिर आप अगर थोड़ा और प्रैक्टिस करेंगे, एडवांस करना चाहते हैं, तो इसको बस आप प्रैक्टिस पढ़ते रहें, कॉन्टेक्स्ट पढ़ें, आप टेक्स्ट पढ़ें इंग्लिश का, तो फिर आपको उसके कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से इसका और भी अच्छा नॉलेज हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक अच्छा लगेगा, और अच्छा लगे तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें और शेयर कर दें, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।